हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज ए गैस बल्ब ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी कंटेन्स 2.0 × 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ 7.57 × 10^7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर आर एम एस स्पीड एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. सो द की कॉन्सेप्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? दैट वी हैव पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पे पी क्या होता है हमारा प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर हो जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो जाता है हमारा टेम्परेचर. सो यहां से हमारा टी कितना हो जाएगा? टी विल बी इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर. इट इज क्लियर है? सो अगर मुझे आर एम एस स्पीड निकालनी है, ठीक है, आर एम एस स्पीड, सो वो किसके इक्वल होती है? वो होती है हमारी अंडर रूट 2 RT/m, 2 RT/m. ठीक है, जहां पे m हमारा क्या हो जाता है? मॉलिकुलर वेट हो जाता है. फाइन. सो देखो, क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है. ठीक है, वॉल्यूम कितना है जो गिवन है वो लिख लेते हैं. वॉल्यूम हमें गिवन है 1 लीटर. ठीक है, सिंस वी नो दैट 1 m³ किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के. सो हमारा 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 × 10^-3 m³ के इक्वल. इतना क्लियर है? सो यहां से हमारा वॉल्यूम कितना आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है 10^-3 m³. फाइन. देन वी हैव प्रेशर. प्रेशर कितना? 7.57 × 10^7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड हमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है? दिस इज इक्वल टू 2.0 × 10^21. फाइन. सो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना गिवन है उसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से. सो दिस विल बी इक्वल टू 2.0 × 10^21 एंड एवोगैड्रो नंबर कितना होता है हमारा? 6.023 × 10^23. सो हमें यहां से एन एन मिल जाएगा. एन विल बी इक्वल टू 0.332 × 10^2. ठीक है, सो एन कैन बी फर्दर रिटर्न एज 0.0032. ठीक है, तो नाउ सिंस हमें पता है टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज पी वी अपॉन एन आर. ठीक है, सो टेम्परेचर यहां से कितना हो जाएगा? पी इज 7.57 × 10^7 एंड वॉल्यूम इज 10^-3. अपॉन एन कितना निकाला है हमने? एन निकाला है 0.00332 × द वैल्यू ऑफ आर इज 8.314 m³ पास्कल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, सो यहां से टी हमारा कितना आ जाता है सॉल्व करके? दिस विल बी इक्वल टू 7.57 × 10^4 अपॉन 0.02760248. ठीक है, सो यहां से हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा? टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 274.25 केल्विन. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड यू आर एम एस विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 RT/m. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 × 8.314. टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 274.25 एंड अपॉन, देखो N2 का मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा? N2 है हमारे पास. ठीक है, N2 का कितना हो जाएगा? 14 × 28. ठीक है, 28 हो जाएगा. अब ये तो कितना होगा? 28 होगा ग्राम पर मोल. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे केजी पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10^-3 से. ठीक है, अब देखो यहां से फिर ये हमारा कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4546.229 डिवाइडेड बाय 28.
28 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है. सो दिस विल गिव ऑन सॉल्विंग अंडर रूट 162,865.321, which is equal to 403.566 meter per second. So this is the required RMS speed. Hope you understood the question. Best of luck.